ये जो फैक्ट्री है पुरानी उसको बेच दें और उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कॉरपोरेट्स को, अडानी अंबानी ऐसे लोगों को दे दें। मोदी का कि मोदी नाम किसान का लेते हैं, मजदूर का लेते हैं, गरीब का, सेवा करते हैं कॉरपोरेट्स का, उनका कर्जा माफ़ करते हैं। लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों को और एक पत्रकार को कुचल दिया, उस पर कोई स्टेप नहीं लिया। जिसका बेटा कुचल दिया वो मंत्री बन के अभी भी मोदी के साथ घूम रहा है। दिमाग में कोई बात घुस जाती है, गलत या सही, वो बड़ी ताकत बन जाती है। तो वो जो घुसाते हैं रोज़, अभी रामनवमी हुआ था, इसमें चल रहा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो किसान को बताते हैं तुम हिंदू किसान हो, तुम्हारा दुश्मन मुस्लिम है, मुस्लिम को बताते हैं तुम्हारा दुश्मन हिंदू है। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। अभी आए दिन लगातार किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेके। कल ही रामलीला मैदान में भी भारी तादाद में जो हैं किसान आए थे, देश के पूरे अलग अलग राज्य से। आज जंतर मंतर पे भी लोग किसान आए हैं अपनी अलग अलग मांग को लेके, लेकिन अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो गन्ना किसान महासंघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये अपनी मांग को लेके यहाँ पे आए। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, किसान खुश हैं, सारी मांग मान ली गई हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं फिर? हमारा संगठन है अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ, और ये अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ा हुआ है, जिसकी रैली आपने कल देखा होगा रामलीला मैदान में, CITU के साथ, खेत मजदूर के साथ रैली। हमारी ये मांग पुरानी है कि स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक लागत से 1.5 गुना कीमत दो। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि गन्ना का कीमत कम से कम 500 रुपया क्विंटल दो। सरकार ने तय किया है 305, और उसमें भी 10.25 रिकवरी पर, उतना रिकवरी होता नहीं, वो घट करके हो जाता है 280 रुपया। एक 1966 का एक कानून है, शुगर कंट्रोल एक्ट, कि जब गन्ना किसान दे देता है मिल को तो 14 दिनों के अंदर उसका पेमेंट होना चाहिए। नहीं होता है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है कि वो सर्टिफिकेट दायर करके जो उनका बैंक रेट है, सूद इंटरेस्ट के साथ उनका भुगतान कराए, लेकिन कहीं नहीं हो रहा है, ये कहीं नहीं हो रहा है। और 17,000 करोड़ अभी बकाया है गन्ना किसानों का, जिसमें 12,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। अब आप सोचो ऐसे आदमी का जिसने अपना कुछ सामान बेच दिया और उसको कीमत न मिला, और वो बरसों तक कीमत का इंतजार करना है, उसी पर उसका जीवन है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सारा कुछ, शादी ब्याह सब उसी पर है, और उसको कीमत नहीं मिलता है, वो क्या करेगा? गैस तो उसको आज खरीदना है जिससे कीमत बढ़ रही है, खाना बनाने के लिए गन्ना खा तो नहीं सकता है, खाने के लिए तो अनाज खरीदना पड़ेगा, पैसे चाहिए, और पैसे पेमेंट नहीं करते, और सरकार इसके बारे में ध्यान नहीं देती। कानून रहते हुए भी सरकार कुछ करती नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो हैं बिहार के, लेकिन हम रहते हैं सेंटर में, हम 34 साल से यहीं हैं। तो एक तो हमारा ये डिमांड है कि टाइमली पेमेंट करो, बकाया पेमेंट करो, और जो पब्लिक सेक्टर में और कोऑपरेटिव में जो शुगर मिल है उसको बिक्री कर रहे हैं प्राइवेट कॉरपोरेट्स को, उसको बंद करो। और नया नारा इन्होंने दिया है, बंद मिलों में हम इथेनॉल पैदा करें। इथेनॉल अच्छी चीज़ है, पेट्रोल डीजल में मिलाई जाती है, लेकिन गन्ना से जब शुगर बनता है चीनी, तो बाई प्रोडक्ट में इथेनॉल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। अब ये कहते हैं चीनी नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ इथेनॉल पैदा करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? शुगर आप पैदा नहीं करेंगे, शुगर का क्राइसिस करेंगे। इथेनॉल अनाज से भी पैदा होता है, अभी कहते हैं अनाज से पैदा करेंगे, तो फूड की क्राइसिस होगी। आप गन्ना मिल चलाएं, शुगर भी पैदा हो, अपने देश में भी बिक्री होगी, विदेश में भी बिक्री होगी, लेकिन और इथेनॉल भी मिलेगा। लेकिन कई जगह ये कोशिश में है कि ये जो फैक्ट्री है पुरानी उसको बेच दें
और उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कॉरपोरेट्स को अडानी अम्बानी ऐसे लोगों को दे दें। आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है, जो बातें शायद किसी को मालूम नहीं होंगी वो सारी बातें जानकारी दी है। लेकिन आप लोग लगातार धरने पे हैं, किसान लगातार धरने पे हैं, लेकिन जहां एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, किसान जवान युवा महिला ये सारे हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम आते हैं, सबसे ज़्यादा किसान कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री तो वो कहते हैं किसानों की हम भलाई की बात करते हैं, जैसे कि 3 जो काला कानून था उसे वापस भी ले लिया गया, फिर भी आप लोग कानून अपने दिल से तो वापस नहीं लिया। काला कानून किससे पूछ कर लाए थे? वो लाए थे, अगर वो लागू होता तो किसानों का जमीन पर से हक धीरे धीरे समाप्त हो जाता और वो कॉरपोरेट्स उस जमीन को लेते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लाया था, ठेका पर खेती, उसमें कानून था और एक कानून था कि कोई नियंत्रण नहीं रहेगा अनाज खाने का, तेल दाल आलू प्याज जो जितना चाहे स्टॉक करे, जितना महंगाई करे, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। यही तो काले कानून में थे, वो तो किसान अड़ गए और बैठ गए यहाँ साल भर, और सामने यूपी का चुनाव आ गया तो उनकी मजबूरी हो गई कि इसको वापस करें। लेकिन उस समय जो आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में हम कुछ स्टेप लेंगे, वो आज तक नहीं किया। लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों को और एक पत्रकार को कुचल दिया, उस पर कोई स्टेप नहीं लिया। जिसका बेटा कुचल दिया वो मंत्री बन के अभी भी मोदी के साथ घूम रहा है, बैठा हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मोदी का, कि मोदी नाम किसान का लेते हैं, मजदूर का लेते हैं, गरीब का, सेवा करते हैं कॉरपोरेट्स का, उनका कर्जा माफ़ करते हैं, उनका जो बैंक से लोन है NPA करके उसको माफ़ करते हैं। किसान अगर कर्ज माफ़ी मांग करे, नहीं उसके लिए पैसा नहीं, अगर टाइम पर कर्ज ना दे तो उसको गिरफ्तार करके उसके ज़मीन की कुर्की जब्ती होती है। इतना मुझे मालूम है UP में किसानों की माफ़ हुई है कर्ज। अरे वो थोड़ा मोड़ा जो होता है, कभी कभी जो चुनाव आता है ना तो कुछ है 85 पैसा, हाँ चना चुनाव आता है तो कुछ थोड़ा मोड़ा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कर्ज है ना वो माफ नहीं हो पा रहा है अभी, यही है। तो मोदी जी की बात सिर्फ बात है, जनता का, जनता के लिए जो कदम लेना चाहिए वो कदम नहीं लेते। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो कहते हैं हम गरीब माँ के बेटे हैं, काम करते हैं, कहा ना आपको पूंजीपतियों के लिए। लेकिन वोट तो जनता देती है, वोट तो जनता वोट तो देके जिता रही है, यही तो ना जनता क्यों बेवकूफ बन रही है? यही है, एक अंग्रेजी कहावत है, व्हेन आइडिया ग्रिप्स इनटू माइंड इट बिकम्स ए मटेरियल फोर्स, दिमाग में कोई बात घुस जाती है गलत या सही वो बड़ी ताकत बन जाती है। तो वो जो घुसाते हैं रोज, अभी रामनवमी हुआ था, इसमें चल रहा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो किसान को बताते हैं तुम हिंदू किसान हो, तुम्हारा दुश्मन मुस्लिम है, मुस्लिम को बताते हैं तुम्हारा दुश्मन हिंदू है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये लोग कर रहा। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं, जब भी दरगाह पे प्रधानमंत्री खुद चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं अजमेर की दरगाह, बात है वो चादर चढ़ाना एक बात है, लेकिन पूरे देश में आप देख रहे हैं आज तो दंगे फसाद हो रहे हैं। ये 24 की तैयारी है कि पूरे देश को पोलराइज कर दो। पिछला इलेक्शन में क्या हुआ, लग रहा था मोदी हार जाएंगे, एक पुलवामा की घटना हो गई है ना, वो क्या बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और सारा माहौल बदल गया। जनता तो जनता ही ना, उसके दिमाग पर भी तो कुछ नया चीज़ आ जाता है तो असर हो जाता है, ये हो गया असर। कैसे लड़ेगी जनता इस चीज़ से? अब लड़ेगी, उसको इकट्ठा होना होगा, उसको समझना पड़ेगा, जैसे किसान लोग लड़े। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री जो जनता युवा? सुनिए, इस पर ये न मेरा ये विषय है न बात कर रहा हूँ। फिर भी एक सवाल और पूछूंगी, लोकतंत्र खतरे की बात चल रही है अभी, लोकतंत्र खतरे में तो है ही, राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है। हाँ वो तो चली गई, लोकतंत्र विरोध करना गलत है? वही तो मैं कर रहा हूँ, गलत नहीं है, विरोध होना चाहिए, और लोकतंत्र इस माने में खतरा है कि जो विरोध करते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है, अगर कुछ लिख दिया कुछ बोल दिया उनके ऊपर केस होते हैं, उनको दबाया जाता है, ऊपर से बोला जाता है कि सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि सब कुछ ना आप कह सकते हैं, न सब कुछ आप दिखा सकते हैं, न सब कुछ आप बोल सकते हैं। लेकिन
बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो नेता लोग जो हैं, प्रधानमंत्री है, उनके कभी भी आपने सुना नहीं होगा, आज 8 साल हो गए हैं, कभी उन लोगों ने कभी कोई घोटाला किया हो, कुछ किया हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार घोटाले में पकड़ी जा रही हैं, ईडी सीबीआई बार बार उनके यहाँ छापे मारने जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? क्योंकि वो लोग घोटाले हो रहे हैं, वो घोटाले सामने नहीं आते, वो तो लोकायुक्त था कर्नाटका में जिसने पकड़ लिया विधायक को, लोकायुक्त, सरकार नहीं, लोकायुक्त, वो लोकायुक्त अलग है, इंडिपेंडेंट है राज्य सरकार से, उसको खबर मिली, उसने छापा मारा। अगर लोकायुक्त नहीं पकड़ता, उस विधायक की भी सदस्यता बीजेपी ने नहीं हटाई, कोर्ट ने जब यहाँ से उनको राहत नहीं दिया दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने, तब उन्होंने इस्तीफा दिया है, नहीं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। नहीं तो क्या करेंगे लोग, मतलब जनता क्या करे? जनता को राम राज भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, जनता को 5 केजी अनाज में खुश भी हो रही है, तो और क्या चाहिए? जनता समझेगी, भूख जो है ना, भूख ये सब कुछ समझा देता है, और बेरोजगारी थोड़ा टाइम लगता है, भूखमरी जैसे जैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ रही है, जनता के अंदर चिंतन बढ़ रहा है, आखिर तो जगना जनता ही को होगा ना, जनता के बदले हम और आप तो नहीं कर देंगे, चाहे टाइम जो लगे। लंका उदाहरण, आप कह रहे हैं कि जनता जगेगी, लगातार आप तो आज अभी यहाँ आए, हम लोग लगातार आते हैं यहाँ पे, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, कोई रेलवे के ड्राइवर्स होते हैं, कोई बैंक में करने वाले कर्मचारी लोग होते हैं, नरेगा के मजदूर हैं, किसान हैं, आप लोग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका यही होता है कि मोदी को हराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, उनको जनता बहुत प्यार करती है, आएंगे तो प्रधानमंत्री ही आएंगे। अगर वो आएंगे और लोग उन्हीं को चुनेगा तो हम और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम और आप तो लड़ रहे हैं ना, अपना मैसेज तो ले जा रहे हैं जनता के बीच में, हम तो लड़ाई के मैदान में हैं, और जनता जब खड़ी हो जाती है, आपने देखा ना श्रीलंका में जब लोग खड़े हो गए थे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब भागने लगे ना, तो यहाँ से तो कोई उनको खड़ा करने के लिए नहीं गया था। तो जो आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे जो बिगड़ रही है, तो आज न कल लोग उसी ढंग से खड़े होंगे, हमारा काम उनको जगाने में मदद करनी है, उनके बदले में तो हम ठेकेदारी लेके तो नहीं कर सकते। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप एक चीज तो नारा मानेंगे कि वो इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं बेटी को बचाने का। सिर्फ नारे से तो नहीं होगा, उसके लिए काम भी करना होगा। अगर बेटी के घर में खाना नहीं होगा, बेटी के घर में अगर गैस नहीं होगा, बेटी को क्या गन्ना उसके परिवार का जाएगा मिल में, और उसको पैसा नहीं मिलेगा तो बेटी खाएगी क्या और बेटी पढ़ेगी क्या? लेकिन महिलाएं सुरक्षित तो हैं। हाँ सुरक्षित है, नहीं नहीं इन्हीं को बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए, नहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मोदी के राज में महिलाएं सबसे ज्यादा और अक्षित, सबसे ज्यादा बलात्कार अनाचार दुराचार हो रहा है, आप पूरा रेकर्ड देखिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह, आपको हिंदू राष्ट्र से खुश नहीं है आप? हिंदू राष्ट्र नहीं है, दुश्मन राष्ट्र की कल्पना है, जनवाद को कुचलने का कल्पना है। ये हिटलर का ऐसा ही था, हिटलर का औलाद है मोदी, हिटलर ने उसी के वंशज का है, हिटलर भी इसी तरह पोशाक पहनता था, इसी तरह बोलता था। पोशाक में क्या है, गरीब माँ के बच्चे हैं आज, पोशाक से नहीं, हिटलर ने यही नारा दिया था कि तुम्हारी गरीबी महंगाई बेरोजगारी सब यहूदियों के चलते है, इनको मारो इनको लूटो तुम्हारा काम हो जाएगा, और लोग जय जय करते थे, जैसे मोदी मोदी करते हैं ना, जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार में, इसी तरह से लोग जय जय करते थे, है ना, और वो पूरा बर्बादी में चला गया और लास्ट में उसको अपना सुसाइड कर लेना पड़ा हिटलर को। कहने का मतलब ये है कि नारा लगवाना एक बात है, लेकिन जो समस्या है, आप कहेंगे बस हमारा सारा दुश्मन मुस्लिम है और कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ, अरे तुम बेरोजगारी की बात करते हो, देखो मुस्लिम क्या कर रहा है, तुम महंगाई की बात करते हो, देखो मुस्लिम क्या कर रहा है, हर चीज में आप हिंदू मुस्लिम लगा दो। लेकिन चमत्कारी बाबा भी आए हैं, आपको चमत्कारी बाबा के बारे में कितने बार? नहीं नहीं, क्योंकि उन लोग, वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में तिरंगा फहराएंगे, इस पे क्या चले जाए, जो जाना चाहते हैं जाए ना, उनकी हिम्मत है ताकत है वो जाए, हम उनको क्यों, कौन सह दे रहा है, जो दे रहा है, जो शासन में पार्टी है वही है, ये सब उसी के कृपा पात्र है, चारों तरफ से मिलके एक 24 के लिए एक वातावरण खड़ा करना चाहते, 24 के लिए
अभी बहुत बाबा पैदा होंगे इस समय, अगले जेल में है बलात्कारी सब, सब भाजपा के ही जय जयकार करने वाला है, सब बलात्कारी बाबा। ये जो आसाराम बापू है तो मोदी के गुरु थे, गर्दन में गर्दन मिला करके मंच पर राम, तो हाँ तो बात ये है, अब इनके बारे में क्या बोला जाए और कितना बोला जाए, ये सब जो है उसी के लगुए भगुए। लेकिन मन की बात पे जब आते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री, मन की बात में चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री, और लगातार महिलाओं को और युवाओं के रोजगार पे भी बात करते हैं कि हम देंगे। बात करने में क्या लगता है, बात करने में तो कोई खर्च नहीं होता, बात करने में कोई खर्च नहीं होता, काम करके दिखाइए, काम करें लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिया तो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काम लोगों को रोजगार दिया, अग्निवीर योजना तो, अग्निवीर, अग्निवीर क्या है, लोगों को परमानेंट जॉब मिलता था ना फौज में, अभी 3 साल का जॉब मिलेगा और 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो दूसरा जॉब खोजे, यही ना पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है, विदेशों के साथ संबंध मजबूत है, टूवर्ड्स निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का, ये भी सेना में फौज में भी निजीकरण का रास्ता ही खोया जा रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए ना, काम जो बोल रहे थे, कुत्ता बिलाय पूछता नहीं बन गया, कुत्ता बिलाय मोदी को पूछता नहीं विश्व गुरु बन गया, यही सब नरेय है, कहता है हम अध्यक्ष कौन जी का अध्यक्ष था, रोटेशन में अध्यक्ष होता है, सगले पोस्टर पर भारत अध्यक्षता करेगा, भारत अध्यक्षता G21 है, G20, ये नहीं है कि भारत को लोगों ने चुन लिया, वहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, इस साल में कौन देश रहेगा, अगले साल में कौन रहेगा, उसमें इंडिया का नंबर आ गया इंडोनेशिया के बाद, तो लोगों ने मान लिया हमको चुन लिया, माना नहीं है वो अल्फाबेटिकली होता है, वहाँ भी होता है UNO में भी, इसलिए ये बोल रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच जो रहे हैं वो कहाँ से बेच रहे हैं, वो आपके घर की संपत्ति तो नहीं है, आप जो बेच रहे हैं, जो भेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, ये 70 साल में नहीं हुआ तो क्या ये भाजपा के ऑफिस से आया है, आप तो बिक्री का ही काम ही किया है, आप 14 के बाद काम कौन किया है, कोई अच्छा सा कारखाना बनाया हो, कोई नोटबंदी अच्छा, सर काला काला धन निकाल, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, कोई बड़ा कारखाना बनाया हो, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया हो आपने, कुछ राम मंदिर वही ने कहा, वही सब कर रहे हैं वो, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं, कि लोकतंत्र खतरे में है, और आप लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो क्या वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे का मतलब इतना ही होता है कि जो लोग बोलते हैं विरोध करते हैं उस पर रोक लगाना, लेकिन राहुल गांधी ने चोर बोल दिया, अब राहुल गांधी चोर जो चोरी करेगा उसको चोर न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ललित मोदी को चोर नहीं बोले, ललित मोदी को चोर नहीं बोले, बोलेंगे ना नीरव मोदी को चोर नहीं बोले, आई नहीं कहेंगे जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी उसको संरक्षण क्यों देते हैं, तो चोर है उसको चोर ही ना बोलेंगे, कि मोदी है प्रधानमंत्री इसलिए सारा देश का OBC जो है वो मोदी मोदी करे, उसमें से कोई चोरी करे भ्रष्टाचार करे उस पर बोलना नहीं, गर्दन काट के चढ़ा दो। 2024 में क्या लगता है सर, अब जनता लड़ेगी तो पलटेगी जरूर, उम्मीद तो है कि पलटेगी। तो हमारे साथ हैं, साथ थे जनरल सेक्रेटरी जो हैं पूरे भारत देश के, जो गन्ना किसान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा है कि 2024 में जो जनता चाहेगी वो होगा, सत्ता अगर पलट करना चाहेगी तो करेगी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, पूरी खबर में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, धन्यवाद।